गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2017 में ऑक्सीजन की कमी से 63 बच्चों की जान चली गई थी। वो वक्त दर्दनाक था, आज भी ये तकलीफ देता है। इस घटना में डॉक्टर कफील खान ने पूरी ताकत बच्चों की जान बचाने में लगा दी थी। उनकी छवि कुछ समय के लिए हीरो की भी बनी, लेकिन योगी सरकार में डॉक्टर कफील खान के खिलाफ कार्रवाई हुई और अब एक बार फिर से डॉक्टर कफील योगी सरकार के निशाने पर आ गए हैं। 2017 में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान चले जाने के मामले में सस्पेंड किए गए डॉक्टर कफील को अब नौकरी से निकाल दिया गया है। 22 अगस्त 2017 को डॉक्टर कफील खान को पहली नजर में आरोपी मानते हुए निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी। निलंबन के बाद डॉक्टर कफील को DGME के ऑफिस से अटैच कर दिया गया था। अपने सस्पेंशन के खिलाफ डॉक्टर कफील ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। डॉक्टर कफील पर हो रही विभागीय जांच की रिपोर्ट को लोक सेवा आयोग को भेजा गया और अब आयोग ने डॉक्टर कफील को बर्खास्त कर दिया है। इस संबंध में अब आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को चिट्ठी भेजकर कफील के बर्खास्त किए जाने की जानकारी दी है। इस मामले में डॉक्टर कफील ने कहा है कि वो इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। दूसरी ओर डॉक्टर कफील के समर्थन में आवाजें भी उठने लगी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी सरकार का डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त करना दुर्भावना से प्रेरित है। नफरती एजेंडा से प्रेरित सरकार उनको प्रताड़ित करने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वो संविधान से ऊपर नहीं है। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर कफील खान की न्याय की लड़ाई में उनके साथ है और हमेशा रहेगी। वहीं डॉक्टर कफील ने कहा कि उनका केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट ने 7 दिसंबर की तारीख दी है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला कर लिया। वो इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। डॉक्टर कफील ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ और बच्चों की जान गई, उस घटना से ठीक एक दिन पहले 9 अगस्त को CM योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आए थे। वहां बच्चों के ICU वार्ड को उन्होंने देखा, बहुत खुश हुए और मेरी पीठ भी थपथपाई। लेकिन बाद में पता नहीं इस घटना के बाद सरकार मुझे ही इस मामले में दोषी ठहराने में जुट गई। मेरे बारे में ये गलतफहमी फैलाई गई कि मैं किसी दूसरे राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ। DB Live की रिपोर्ट।